भीषण गर्मी को देखते हुए फजलगंज स्थित मलिन बस्तियों में खराब पड़े हैंडपंप व पेयजल संसाधन को दुरुस्त करने के लिए पंडित अजय कुमार मिश्रा द्वारा एकादशी कथा का आयोजन मां भुवनेश्वरी मंदिर में किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने कथा का श्रवण पान किया। वहीं पंडित अजय कुमार मिश्रा ने मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों से जल संरक्षण एवं जल संसाधनों जैसे हैंडपंप नलकूपों को दुरुस्त करने के लिए क्षेत्रीय लोगों को एकादशी की कथा समापन पर एकत्रित धनराशि से क्षेत्र में सभी नलकूपों व हैंडपंपों को दुरुस्त करने के लिए अशोक कुमार को एकत्रित की गई धनराशि सौंपते हुए जल्द से जल्द बस्ती के सभी हैंडपंपों को सही करने के लिए कहा। दिन में एक बार व्रत रहने से प्राप्त होगा और साथ ही साथ क्या प्राप्त होगा, आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रहने लगता है उसके स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आप बच सकते हैं। कैंसर अगर किसी के परिवार में अगर एक व्यक्ति को हो गया तो आप सब लोग जानते हो कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है उसका इलाज कराने में, बावजूद उसके वो ठीक होने की संभावना उसकी नहीं होती। और कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज की डेट में लीवर सिरोसिस सबसे ज़्यादा है और लीवर फेल हुआ तो सब खत्म खेल है। उसका लीवर का ट्रांसप्लांट कर पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत महंगा होता है। तो एकादशी व्रत रहने से आप दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। दूसरा क्या है कि जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र मानी जाती है और प्रकाश देने वाले में सूर्य भगवान का सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता होती है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता होती है। तो पुरुषों का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन महिलाएं कुछ न कुछ व्रत जरूर रहती होंगी। लेकिन अगर वो एकादशी व्रत भी रहना शुरू करें तो उनके परिवार में क्या क्या लाभ होगा, लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। और ये पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ उसको। और मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम भी जागृत हो जाता है। तो 15 दिन में एक बार एकादशी आती है। आपको आज हम एक कैलेंडर भी देंगे, वो कैलेंडर आप लोग अपने घर में ले जाइएगा। उस कैलेंडर में एकादशी की तिथि कब आएगी वो लिखा रहेगा और वो हिंदी महीने की तिथियां हैं, उसमें सब चीज़ें रहेंगी। तो आप लोग अपने अपने घर में उस कैलेंडर को टांगिएगा और जिसका जिसका भी मन आ जाए तो इस बार की नहीं तो अगली बार की एकादशी से आप लोग व्रत रहना शुरू कर दीजिए। और उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है आपको। आप व्रत जल पी के रह सकते हैं, दूधाहार करके रह सकते हैं, फलाहार करके रह सकते हैं और आलू बनाते हैं हम लोग उसको खा के भी रह सकते हैं। अपने अपने भूख का स्तर, अपने अपने श्रद्धा भक्ति का स्तर निर्धारित करके श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी व्रत रहने से सुख शांति और समृद्धि ये तीनों प्राप्त होता है और साथ ही साथ ईश्वर के चरणों में प्रीत भी स्थापित होती है। तो इसलिए मैंने आप सबसे निवेदन किया कि आप अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए इस एकादशी व्रत को रहना शुरू करें। और इसके लिए हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बताने के लिए हमको आपसे कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। ये हमने जैसे हवा बहती है और हवा बहती आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है, लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाओगे तो टैक्स लगेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये कथा है, तो कथा रूपी गंगा आपके लिए मुफ्त है। इसे बताने के लिए हमें आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए। आपका ईश्वर के चरणों में अनुराग रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि जब बढ़ेगी तो हमारा अपने आप ही वो उसमें मिल गया आपको। धर्म की रामराज की Thank you.
नमो नमः मनोजो हर हर महादेव हर हर महादेव। एकादशी की कथा संपन्न हुई मोहिनी एकादशी की। इस एकादशी की कथा में स्थानीय निवासियों को भीषण गर्मी में जो नलकूप खराब पड़े हुए उसको ठीक कराने के लिए आह्वान किया गया था, जिसमें 14,920 रुपए क्षेत्र की जनता और संस्था के लोगों द्वारा प्राप्त हुए हैं। 14,920 रुपए यहाँ पर अशोक जी को दिए जा रहे हैं। क्या नाम है उनका? राजेंद्र और अशोक जी को और उनके उपस्थिति में और क्षेत्रीय जनता की उपस्थिति में भगवान को स्पर्श करा के दिया जाए, ये ले लीजिए। और इसके माध्यम से जितने भी नलकूप ठीक हो गए उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप ठीक हो जाए क्षेत्र में, ताकि इस गर्मी में लोगों को पानी के पीने के पानी की सुविधा दी जा सके। जय श्री राम। जय श्री राम। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.